कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकबर बीरबल की एक शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है रेत और चीनी। बादशाह अकबर के दरबार की कार्रवाई चल रही थी, तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का बर्तन लिए वहां आया। क्या है इसमें? पूछा बादशाह ने। वह बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए? फिर पूछा अकबर ने। माफी चाहता हूँ हजूर, दरबारी बोला, हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना अलग अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से बोले, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। वह मुस्कुराए और आगे बोले, तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं है जहापना, बीरबल बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कहकर बीरबल ने वह बर्तन उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बाकी दरबारी भी पीछे थे। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और बर्तन से सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोला, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर से वे सभी उस आम के पेड़ के निकट जा पहुंचे। वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोर कर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थी। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? पूछा एक दरबारी ने। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। सभी जोरों से हंस पड़े। बादशाह अकबर को जब बीरबल की चतुराई ज्ञात हुई तो वह बोले, अब तुम्हें चीनी ढूंढनी है तो चींटियों के बिल में घुसना होगा। सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल का गुणगान करने लगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।